नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता और आप देख रहे हैं HS न्यूज। जब भी बात आती है मिसाइल बनाने की तो हमें सबसे पहले भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश की मिसाइल वुमेन कौन है? कौन है वो महिला जो मौजूदा समय में देश के लिए मिसाइल बना रही है? हमारे देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, ये महज बातें नहीं, ऐसा वाकई में है। रॉकेट साइंस जो कि बेहद मुश्किल सब्जेक्ट है, उसमें वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस ने महारत हासिल कर रखी है। मौजूदा समय में वो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद की डायरेक्टर है। वो किसी मिसाइल प्रोजेक्ट को लीड करने वाली पहली महिला है। Agni-5 को सफलता से लॉन्च करने के बाद ही डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन या कहें अग्निपुत्री का खिताब मिला। उनके लिए इस मिशन को पूरा करना किसी कठिन चुनौती से कम नहीं रहा। दूसरी भारतीय महिलाओं की ही तरह टेसी थॉमस अपने घर का काम करती हैं, मीडिया कवरेज से भी दूर रहती हैं, बिल्कुल एक आम महिला की तरह, लेकिन बावजूद इसके उनमें बहुत कुछ खास है। केरल के कैथोलिक परिवार में जन्मी टेसी थॉमस जब स्कूल में पढ़ा करती थी, उन दिनों नासा का अपोलो यान चांद पर उतरने वाला था। वो रोजाना इस बारे में सुनती थी। इससे उन्हें प्रेरणा मिली कि वो भी एक दिन ऐसा रॉकेट बनाए जो इसी तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। टेसी थॉमस का ये उन दिनों का सपना था। Agni-5 की सफलता से टेसी थॉमस की मेहनत, लगन और प्रतिभा का ही सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि एक वो सपना भी पूरा हुआ जो इस देश को स्वदेशी रॉकेट और मिसाइल टेक्निक से वैज्ञानिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा देखने के लिए बरसों पहले भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों ने देखा था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपना गुरु मानने वाली टेसी ने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके बल पर आज हमारा देश मिसाइल सुपर पावर के मामले में लीडिंग देशों में आता है। टेसी थॉमस ने अपना पहला मिसाइल प्रोजेक्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सानिध्य में पूरा किया था। वो Agni-4 और Agni-5 मिसाइल प्रोजेक्ट की डायरेक्टर भी रही। Agni-5 प्रोजेक्ट में उनके साथ 5 अन्य महिला वैज्ञानिकों ने भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नाग, धनुष, त्रिशूल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के अनुसंधान और विकास पर काम किया है। टेसी थॉमस को दुनिया में रणनीतिक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों पर काम कर रही बहुत कम महिलाओं में से एक माना जाता है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।